हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ अपने स्टडी टेबल का टूर। मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, वो सब कुछ मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का टेबल आके कैसा होना चाहिए और कैसा होता है मोस्टली। तो यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी स्टडी करती हूँ। यहाँ फ्रंट में बैठ के यहाँ मेरी नोटबुक वगैरह ओपन रहती है एंड सामने लैपटॉप रहता है। और ये एक स्लाइड है जो कि अंदर बाहर इस तरह से होती रहती है। मैं अपनी जैसे मुझे अच्छा लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई नोटबुक वगैरह ओपन रखनी है एंड मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, देन मैं इसे ऊपर ओपन कर लेती हूँ, इसे और बाहर निकाल लेती हूँ। देन यहाँ पे अपनी नोटबुक रख लेती हूँ एंड देन फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ सामने में लैपटॉप में जो भी चलता रहता है मैं उसे देखती रहती हूँ और अपने इस माउस से यहाँ पे जो भी होता है मैं उसे कंट्रोल करती रहती हूँ अपने लैपटॉप में। जैसे कि देखिए, एंड यहाँ पे मेरी नोटबुक ओपन रहती है। जैसे भी मुझे जो भी पढ़ना रहता है, जो भी लिखना रहता है, मैं वैसा करती हूँ। एंड जब मुझे नहीं पढ़ना रहता देन मैं साइड में, अगर मुझे थोड़ी देर बाद अगर इसको पढ़ना रहता है तो मैं इसे यहाँ साइड में कर लेती हूँ एंड देन मैं फिर थोड़ी देर बाद फिर इसे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये है मेरा लैपटॉप एंड ये है मेरी नोटबुक एंड यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लैपटॉप तो है बट मैं इसे चार्ज कैसे करती हूँ, कोई प्लगिंग पॉइंट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रहा वो पॉइंट जिससे मैं अपना लैपटॉप चार्ज करती हूँ। जब मुझे लैपटॉप चार्ज करना रहता है देन मैं अच्छे से इसको यहाँ पे प्लग करती हूँ एंड देन स्विच ऑन करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा लैपटॉप चार्ज होने लगता है। एंड ये मेरे फ़ोन का चार्जर है जो कि इस टाइम लगा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा के रखा हुआ था। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रेड वाली जो वायर है इससे मैं क्या करती हूँ। ये रेड वाली वायर है ये, इससे मैं अपने स्पीकर को चार्ज करती हूँ। अगर मैं कोई वीडियोस में सुन रही हूँ और उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा लो है देन मैं स्पीकर को इससे कनेक्ट करती हूँ और फिर मैं उससे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उसमें फिर वॉइस तेज हो जाती है। और वो स्पीकर रहा ये, पीछे रखा हुआ है मेरे पेन स्टैंड के। तो ये है मेरा लैपटॉप एंड ये है उसका चार्जिंग प्लग पॉइंट। एंड लैपटॉप का वायर तो कितना लंबा होता है, बहुत ज़्यादा फैला रहता है, इसलिए मैंने उसे ये विंडो में उसको अच्छे से साइड में करके रखा हुआ है ताकि किसी के पैर वायर के नीचे ना आए। तो अब हम चलते हैं अपने पेन स्टैंड की तरफ। तो ये है मेरा पेन स्टैंड, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमता रहता है। मुझे जो भी चाहिए होता है मैं ऐसे राउंड करती हूँ एंड मैं उस चीज़ को बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप सब देख रहे होंगे कि मेरे इसमें तीन रखे हुए हैं हाइलाइटर। मैं थ्री हाइलाइटर यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने थ्री ही रखे हुए हैं। एंड मैंने इसमें काफ़ी सारे रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक सभी तरह के पेन रखे हुए हैं। और एक ये हाइलाइटर भी है मेरे पास जो कि मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ इसलिए उसे हाइलाइटर वाले ग्रुप में नहीं रखा है। एंड ये मार्कर है, अगर मुझे जैसे कि कुछ अच्छा सा लिखना होता है तो मैं इसे निकालती हूँ एंड यहाँ पे स्टिकी नोट्स को पेस्ट करती हूँ। एंड यहाँ पे अपने मोटिवेशन के लिए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट होता है जो मुझे जल्दी से नहीं याद होता है मैं उसे यहाँ पे नोट करके पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरी नज़र उस पर पड़ती रहे। अभी मेरा टारगेट है 31 मार्च, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा अलग कर रखा है ताकि मुझे दूर से हाईलाइट होता रहे, दिखता रहे। तो ये है जाती रहे। एंड देन हम चलते हैं अपने क्लॉक की साइड। ये क्लॉक बहुत क्यूट है ना, बहुत छोटी सी है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे अपनी स्टडी टेबल पर रख लिया है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ये पीछे आपको शॉर्पनर दिख रहा होगा है ना, और ये शॉर्पनर भी है एंड ये इरेजर भी है। कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो आपको देख रहा के लग रहा होगा यहाँ से पेंसिल अंदर जाती है एंड ये शॉर्पनर भी आपको दिख ही रहा होगा, ये शॉर्पनर है। एंड इसके कैप को अगर हम लोग हटा दें तो फिर इरेजर है ये इरेजर एंड ये शॉर्पनर। और अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इसमें शॉप तो कर लेते हैं लेकिन उसका जो छिलका होता है वो कहाँ जाता है, तो इसके लिए भी है, हम लोग इसको हटा के ऐसे और यहाँ से छिलका इसका रिमूव कर देते हैं। एंड इससे क्या होता है ना, कचरा नहीं होता है, इसमें शॉप करो एंड देन इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दो। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसलिए मैंने इसको ऐसा ले रखा है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत क्यूट है ना, अगर आपको भी अगर ये चाहिए हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी और भी कई सारी चीज़ें हैं उनका भी डाल दूंगी। अगर आपको परचेस करना हो तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबको लेके चलती हूँ अपने नोटबुक साइड में। ये सभी मेरी नोटबुक्स हैं और इसमें से ये एक रफ वाली है, बाकी सभी फेयर हैं, स्पायरल हैं। मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ और मुझे किसी ना किसी से नोटबुक का दिन भर में कोई ना कोई काम लगता ही रहता है। और इधर भी अपर साइड में थोड़ी सी नोटबुक्स हैं, बाकी सारी बुक्स हैं, मैं इन सारी बुक एंड नोटबुक का यूज़ करती हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे कितने सारी बुक्स वगैरह हैं। और यहाँ पे नीचे भी कुछ बुक्स वगैरह मैंने रख रखी हैं क्योंकि यहाँ भी मुझे कोई ना कोई काम लगता ही रहता है। तो मैं स्लोली जिसका मुझे ज़्यादा यूज़ होता है उसको मैं यहाँ रखती हूँ, मैं इसको निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, देन स्लोली इसको यहाँ से यहीं रख देती हूँ ताकि ये साइड में रहे। और ये कुछ मेरी डेली बेसिस की यूज़ हैं, जैसे कि ये मेरा बर्ड्स हो गया एंड ये मेरा लिप बाम। इसमें थोड़ा सा घी मैंने रखा हुआ है आइस वगैरह पे लगाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लैपटॉप में और बहुत ज़्यादा नोटबुक में ऐसे घुसे रहना, इस वजह से ये लगा लो तो आंखों को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने कुछ अपनी चीज़ों को रख रखा है जो कि मैं दिखाना नहीं चाहूँगी इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। सो अब हम आते हैं प्रॉपर इस सेक्शन में एंड इसमें आप देख रहे होंगे ये मेरा है पेन स्टैंड ये मेरा है फ़ोन स्टैंड। मैं इस पर अपना फ़ोन रखती हूँ, इसको हम अपने
जैसा भी हमें चाहिए होता है इसको अप एंड डाउन, एंड इसको हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर भी हो जाता है और इसको नीचे भी किया जा सकता है। और इस तरह से ये हमारा पेन स्टैंड रेडी हो जाता है। मुझे जैसे चाहिए होता है मैं इसको वैसे ही सेट करके और फिर मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ। आप सब लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये है मेरा ग्लासेस हैं, ये मैं जब भी लैपटॉप वगैरह यूज़ करती हूँ तो फिर मैं उसमें लगा लेती हूँ, इससे आँखों सेफ्टी रहती है। इससे क्या होता है, ये अल्ट्रा सनवाइज रेज ऐसे कुछ है, ये मुझे अराउंड 2000 का ये मुझे पड़ा था। ये काफ़ी अच्छा है जिससे आपकी आँखें बहुत ज़्यादा सेफ रहती हैं। एंड आप लोगों को भी ये परचेज़ करना चाहिए अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा अगर लैपटॉप को यूज़ करते हैं। मैं तो 6-7 आवर लैपटॉप यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है ताकि मेरी आइज़ काफ़ी सेफ़ फील करें एंड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने इसको परचेज़ कर रखा है। एंड ये फिर से मेरी कुछ बुक्स एंड नोटबुक्स वगैरह हैं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक स्मॉल बॉक्स, हालांकि ये बॉक्स तो मेरे वॉच का है बट मैंने इसमें वॉच नहीं रखी है, मैंने इसमें कुछ और ही रखा हुआ है। इसमें मेरी कुछ पेन ड्राइव है एंड ये ग्लू है, जैसे कि स्टिकी नोट्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। एंड देन फिर कोई कोई क्या होता है ना कि वो पेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। एंड इसकी हेल्प से मैं अगर कोई जैसे कि हट गया, स्टिकी नोट्स मैंने पेस्ट कर रखा है, तो फिर मैं इसकी हेल्प से उसको पेस्ट कर देती हूँ। और ये मेरी कुछ डायरीज हैं जिसमें अपने मैं नेक्स्ट डे का वर्क लिख लेती हूँ या मोस्टली नहीं लिखती हूँ मैं। और ये है मेरे स्टिकी नोट्स, ये मल्टी कलर में हैं, इसमें काफ़ी सारे हैं और मुझे जो भी कलर चाहिए होता है मैं उसको निकाल के इसमें लिख के एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। एंड ये स्मॉल वाले हैं, इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है नोटबुक वगैरह में पेस्ट करने के लिए, तो मैं इसका भी यूज़ करती रहती हूँ। एंड ये कटर है, ये मेरी कुछ फोटोज़ भी आप लोग इसमें दिख रही होंगी जो कि मैं नहीं दिखाना चाहती। एंड ये लेज़र लाइट है, टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है ये। और ये पेन ड्राइव वगैरह है, इसमें मेरी कुछ ओल्ड फोटोज़ वगैरह सब कुछ मैंने इसमें अपना स्टोर कर रखा है। तो ये मेरे पास 2 पेन ड्राइव है। सो ये है मेरा स्टडी टेबल। तो अब सब आप लोगों ने सभी देख लिया होगा कि मेरा एक छोटे से मिनी बॉक्स में कितनी सारी मैंने अपनी चीज़ें रख रखी हुई हैं जिसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। एंड हाँ, मैं इसको तो भूल ही गई, ये भी एक छोटा सा बॉक्स है, जैसे कि हालांकि मेरे पास एक बॉक्स और भी है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा उसको यूज़ करने का मन नहीं करता, तो फिर मैं इसको एक और मैंने सिंगल अलग से रख रखा हुआ है, अगर मेरा मन होता है तो मैं इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है मेरा मिनी बॉक्स जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रख रखी हैं, आप लोग चाहें तो एक बार फिर से इसको दोबारा से देख सकते हैं। ये रहा मेरा टेबल और ये भी वैसा ही है जैसे मैं इसको अंदर एंड बाहर कर सकती हूँ, वैसे ही मैं इसको भी कर सकती हूँ, बट मैंने इस पर बुक्स वगैरह रख रखी है, मेरा इसका कोई यूज़ भी नहीं है इसलिए ये मैं वैसे नहीं यूज़ करती। और ये वाला तो मैं मोस्टली यहाँ पे मैं बैठ कर पढ़ती हूँ, तो मैं इसको अंदर बाहर अपनी जैसे भी मुझे यूज़ होता है मैं वैसा करती रहती हूँ। एंड नीचे भी देखिए स्पेस है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी रख सकती हूँ, वहाँ पे जैसे मैंने कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर रखे हुए हैं और नीचे एक बॉक्स है उसमें भी थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ, और यहाँ पे मैं अपने पैर को रख लेती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस साइड में मैं बुक वगैरह रख सकती हूँ, बट मुझे इतना यूज़ नहीं है इसलिए वो स्पेस फ्री ही है। और यहाँ पे फिर ये है मेरा स्टडी टेबल, आप लोग इसको दोबारा से एक साथ देख सकते हैं। ओके, बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमारे साथ रहिए और भी नई वीडियोस देखने के लिए।